हेलो क्लास 12, आपको याद ही होगा हम लोगों ने इंडिगो चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और आज उसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि गांधी जी ने कई प्रोमिनेंट लॉयर्स और को बुलवा लिया था पटना से, और वो सब के सब गांधी जी के पास आ गए थे। और जब गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर उनको जेल भेज दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो लॉयर्स ने कहा कि भाई जब आप जेल चले ही जाएंगे तो फिर हम यहाँ रह कर क्या करेंगे, किसको एडवाइस देंगे, तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि उन शेयर क्रॉपर्स का क्या जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके बारे में गांधी जी बात कर रहे हैं। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, सभी लॉयर एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा हुए और बातें करने लग गए, एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लग गए। राजेंद्र प्रसाद है रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने उन लॉयर्स के बीच में आपस में क्या बात हुई थी उसको, उसके बारे में बाद में गांधी जी से जिक्र किया था। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। उन्होंने आपस में बात किया कि भाई ऐसा है कि गांधी जी तो बिल्कुल यहाँ के लिए अजनबी है, बिहार के लिए तो अजनबी है, गांधी जी तो गुजरात के थे, है ना, बिहार के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, और इसके बावजूद भी ये यहाँ के बिहार के जो चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। If they on the other hand being not only resident of the adjoining district, वो तो जबकि उनकी तुलना में ये सभी लॉयर्स जो हैं वो पास के ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट उधर पटना डिस्ट्रिक्ट है ना, तो but also those who claim to have served these peasant should go home, it would be shameful desertion। और उसके बाद भी अगर ये यहाँ पर रहने के बावजूद भी, पास के डिस्ट्रिक्ट में रहने के बावजूद भी अगर इन पीजेंट्स की, इन किसानों की सेवा नहीं कर सकते और घर चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। उसके बाद आपस में सलाह मशवरा करने के बाद वो गांधी जी के पास आए एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, और उनको कहा कि वो उनके साथ साल जेल जाने के लिए तैयार हैं, यानी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। और तब उसने कहा कि जो चंपारण की लड़ाई थी ये तो हमने जीत लिया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया, डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स, और जितने वकील थे और वो खुद सभी मिला जुला कर उन्होंने दो दो का ग्रुप बना दिया, पेयर बना दिया। पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उन्होंने कहा कि भाई दो दो करके हम लोग अदालत में जाएंगे और कोर्ट अरेस्ट देंगे, यानी कि अदालत वाली जो गिरफ्तारी होती है ना, एक तो पुलिस की गिरफ्तारी होती है, वो नहीं, अदालत में जाकर गिरफ्तारी हम देंगे। सेवरल डेज लेटर, फिर कई दिन गुजर गए, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। उसके बाद कई दिनों के बाद गांधी जी के पास एक लिखित पत्र मैजिस्ट्रेट का आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस प्रोविंस के हैं उन्होंने केस को ख़त्म, खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, टू बी ड्रॉप्ड मतलब कि ख़त्म कर देना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ ट्रायम्फ्ड, इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई। सिविल डिसोबीडियंस आप समझते हैं ना कि जो एक अन्यायपूर्ण कानून जो सरकार का है, अंग्रेज सरकार का, उसका विरोध करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और गांधी जी ने यही काम यहाँ पर किया था कि वो गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से शेयर क्रॉपर्स के को परेशान किया जा रहा था और उसका विरोध गांधी जी ने किया था। इस वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट
अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ द फार्मर। गांधी जी और कुछ लॉयर्स ने मिलकर पूरी इंक्वायरी की कि आखिरकार किसानों की तकलीफें क्या हैं। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और 10,000 किसानों की इन शिकायतों को लिखा गया। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और कुछ सबूतों का नोट भी बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, बहुत सारे जहाँ पर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और पूरे एरिया में एकदम बहुत ही चहल पहल वाली एक्टिविटी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत कड़ा विरोध करने लग गए, क्योंकि उसमें उसके अंदर उनके विरुद्ध भी बातें हो रही थी, लैंडलॉर्ड के विरुद्ध भी बातें हो रही थी, इसलिए वो विरोध करने लगे। इन जून गांधी जी वॉज समन टू एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चंपारण के, वहाँ पर बुलाया गया। देयर ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जब ये एडवर्ड गेट से मिलने गए तो उनके पास और भी कई लोग थे, और उनसे मिलने से पहले गांधी जी ने क्या किया, एक प्लान बना लिया कि भाई ऐसा ना हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में की वजह से उनको वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाए और वहीं उनके घर में उनकी गिरफ्तारी हो जाए और वो वापस ना आए, तब क्या होगा। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड अ ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। तब लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई गांधी जी की, लेकिन गांधी जी के साथ 4 बार इंटरव्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर का हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जाएगा इंक्वायरी का, जो कि इंडिगो प्लांटर्स की सिचुएशन के ऊपर होगा। यानी इंक्वायरी जो होगी, इंक्वायरी कमीशन जो होगी ऑफिशियली, वो ये देखेगी कि आखिरकार शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम क्या है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, जो कमीशन बना उसमें वहाँ पर के लैंडलॉर्ड यानी जमींदार लोग जो थे वो थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। और गांधी जी को, सिर्फ गांधी जी को पीजेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस कमीशन में रखा गया। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। गांधी जी चंपारण में शुरू में करीब 7 महीने तक लगातार रहे, एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट, उसके बाद कई बार वो वहाँ आते जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। और एक छोटी सी विजिट जो कि एक साधारण से बिना पढ़े लिखे हुए किसान ने आकर उनके सामने रखी थी, प्रस्ताव रखा था कि आप आके यहाँ के शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम देखिए, और गांधी जी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि बस कुछ ही दिनों में ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि इस मामले को ख़त्म होने में करीब 1 साल लग जाएंगे। यानी गांधी जी को इस चंपारण आंदोलन में जब ये जुड़े तो लगभग 1 साल उनको अपने जीवन का खर्च करना पड़ा। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बिग प्लांटर्स। और जब पूरी ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो एक अंबार लग गया बिग बड़े बड़े प्लांटर्स जो थे उनके विरोध में, एविडेंस इतने ढेर सारे आए। एंड वेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, बट हाउ मच मस्ट वी पे दे आस गांधी। और जब उन्होंने देखा कि सारा कुछ हमारे विरोध में जा रहा है, तो उन्होंने उनको पैसा रिफंड करने के लिए, आपको याद है ना कि कहानी में जब हमने पहले पढ़ा था, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान छुटाने के लिए किसानों ने क्या किया था, पैसा दे दिया था कि भेजे छोड़ो हमारी जान, हमें अपनी खेती करने दो। तो उसमें क्या होता, कुछ लोगों ने तो पैसा दे दिया था, तो अब हुआ कि भाई ठीक है, हम उनको, जब उन्होंने देखा कि हमारे खिलाफ़ बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए
हैं बड़े बड़े प्लांटर्स ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितना पैसा देना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट ऑफ द फुल मनी, उनको ऐसा लगा था कि गांधी जी कहेंगे कि पूरा पैसा लौटाओ, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्राम द शेयर क्रॉपर्स, जो कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से चीटिंग करके शेयर क्रॉपर्स से ली थी। वो तो बहुत गलत तरीका था किसानों से पैसा लेना, है ना, 15% ज़मीन पर खेती करने के बदले में। तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा कि 50% चाहिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। और उन्होंने गांधी जी ने कहा कि 50% दे दो। और उसके बाद एक ब्रिटिश मिशनरी हैं रेवरेंड जे जेड हॉज, जो कि पूरी चंपारण की जो कहानी हुई इंडिगो प्लांटर्स की, उसको बड़े क्लोजली उन्होंने देखा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है अपनी इसमें जो संस्मरण लिखते हैं ना, उसमें संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उन लोगों ने सोचा था कि 50% शुरू में गांधी जी ने कहा था और उस पर वो टिके भी हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि गांधी जी मानेंगे नहीं ऐसा सोचकर उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, जो जमींदार लोग थे, उनके बड़े प्लांटर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि 25% देंगे। और उनको इस बात की बड़ी ताज्जुब हुई कि गांधी जी ने तुरंत हाँ कह दी कि हाँ ठीक है दे दो। इस तरह से क्या है, उनके बीच में एक जो बातचीत चल रही थी कि इतना देंगे उतना देंगे, आधा लो, 50% लो, इतना लो, ये डेडलॉक ख़त्म हो गया। कहा कि ठीक है 25% दो और बात ख़त्म करो। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनानिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट हुई 25% पैसा लौटाने की, ये कमीशन ने तुरंत हाँ कह दी, हाँ ठीक है दे दो। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। गांधी जी ने कहा कि पैसा ज़्यादा महत्व नहीं रखता, महत्व ये बात रखता कि ये लैंडलॉर्ड जो इतनी अकड़ में रहते थे, ये गरीब किसानों के सामने झुक नहीं सकते थे, उनको 25% की वजह से झुकना पड़ा, और पैसा तो लौटाना ही पड़ा और उनके सामने झुकना पड़ा, अपनी इज्जत भी देनी पड़ी। बहुत आप समझते थे ना उस समय जमींदार लोग कि हमारी तो बड़ी इज्जत है, हम तो गरीब किसानों के सामने कैसे झुकेंगे, है ना, हम तो लैंडलॉर्ड हैं। तो इस वजह से उनको अपनी थोड़ी इज्जत भी गंवानी पड़ी और पैसा भी देना पड़ा, ये ज़्यादा बड़ी बात थी। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planter had behaved as landlord lord above the law. क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि वो बहुत ही अकड़ में रहते थे जो लैंडलॉर्ड होते थे, समझते थे कि हम तो कानून से भी ऊपर हैं। उस समय उनकी थिंकिंग वैसी ही थी कि हम तो कानून से भी ऊपर हैं। तो इस वजह से जब उनको झुकना पड़ा तो ये उस समय गरीब किसानों के सामने वो भी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उस समय तो वो समझते थे कि हम लैंडलॉर्ड हैं, हम लॉर्ड हैं, अबव द लॉ, हम कानून से भी ऊपर हैं। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड द राइट एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज। और इस तरह से किसानों को पहली बार उन्हें ये बात समझ में आई कि उनको बचाने वाले, डिफेंड करने वाले भी लोग हैं और उनके भी अधिकार हैं, और इस तरह से उन्होंने हिम्मत सीखी। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, और जितनी घटनाएं हुई थी इससे गांधी जी की पोजिशन और मजबूत हुई, जस्टिफाई हुई कि हाँ सही कर रहे हैं ये। विद इन अ फ्यू ईयर्स ब्रिटिश प्लांटर अबंडेंट देयर इस्टेट, कुछ ही साल के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स ने वो सारे इस्टेट जहाँ पर इंडिगो प्लांटिंग होती थी उसको छोड़ दिया। विच रिवर्ट टू द पीजेंट, रिवर्टेड टू द पीजेंट, वो बाद में उन्हीं किसानों को दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस तरह से जो नील की खेती थी वो गायब हो गई।
है ना। अब हम उसके बाद हम आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप चैप्टर रीडिंग ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बीच बीच में जब भी मौका मिले हाफ एन आवर लगाकर कम से कम चैप्टर की रीडिंग कर लिया कीजिए, ताकि कहीं से भी पूछा जाए। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, तो आपको सभी कैरेक्टर का नाम भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कहाँ कौन से कैरेक्टर आएगा जिसको जिसको आपको आंसर में लिखना है, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चैप्टर रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।